हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के टाइमली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे कोई भी वीडियो या आवश्यक जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। दोस्तों, आज बात करेंगे 8 नवंबर के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2076 मास चल रहा है कार्तिक का, तिथि शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि है, शुक्रवार का दिन है, नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, योग है व्याघात और करण है विष्टि। अगर व्रत पर्व और त्योहार की बात करते हैं तो हरि प्रबोधिनी एकादशी के साथ साथ तुलसी विवाह का त्योहार आज हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की, अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोग, आज आप परिवार के साथ आनंद का अनुभव कर सकेंगे, आय में वृद्धि होगी। परिवार पर आपको ध्यान देना चाहिए, किसी को रुपए पैसे उधार ना दें। मां लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं, लक्ष्मी गायत्री का जाप करते हैं तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए संतान से संबंधित मामलों या समस्याओं में सुधार संभव दिखाई देता है। बच्चों की गतिविधियों पर आपको नियंत्रण लगाना चाहिए, महत्वपूर्ण निर्णय करने में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। गणेश चालीसा का पाठ आज आप जरूर करें। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए करियर जैसे महत्वपूर्ण मामलों में आज कुछ तनाव बन सकता है। किसी ब्राह्मण को घर पर आमंत्रित करके उनका सम्मान करना चाहिए, सत्कार करें। वाणी पर नियंत्रण किसी भी स्थिति में न खोएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवारजनों के साथ अच्छा समय आज आप बिता सकेंगे। मनोरंजन के लिए यह समय बहुत उत्तम कहा जा सकता है। माता काली की पूजा आराधना करें, क्रोध करने से आप बचें। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं में सुधार होगा। हल्दी चने की दाल का दान करें, धैर्य का साथ आप न छोड़ें। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन स्फूर्ति और उत्साह से भरपूर रहने वाला है। हनुमान चालीसा का पाठ आज आपको जरूर करना चाहिए। बड़े वादे बड़े कमिटमेंट आप किसी से न करें। तुला राशि, तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए खराब व्यवहार के कारण वाद विवाद या मतभेद उत्पन्न होने की संभावना दिखती है। भगवान गणपति को लड्डुओं का भोग लगा करके 3 पाठ गणेश चतुर्थीश का अवश्य करना चाहिए। पार्टनर से झगड़ा या वाद विवाद आज आप बिल्कुल भी न बढ़ाएं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। आर्थिक लाभ के उत्तम योग दिखते हैं। हरी वस्तुओं का दान करें और घर आए हुए व्यक्ति को खाली हाथ विदा न करें। ओम रांग रामाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। धनुराशि, धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए कटुवाणी तथा क्रोध और उत्तेजना के कारण आज आपके बने हुए काम बिगड़ सकते हैं। भगवान शिव की पूजा आराधना करें, शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल चढ़ाएं, शिव चालीसा का पाठ भी साथ में एक बार करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइए। मकर राशि, दोस्तों के सहयोग से लाभ मिलने की संभावना दिखती है, साथ ही आपके विरोधी भी सक्रिय रहेंगे। सूर्य देवता को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, झूठ बोलने से बचें। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए धन संबंधी मामलों और समस्याओं में आज आपको कुछ सुधार मिलेगा। तांबे का बर्तन आज आपको भोजन के लिए प्रयोग में लेना चाहिए, साथ ही साथ सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करें, नकारात्मक विचारों से आज आप बचें। मीन राशि, मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार में विस्तार होगा, नौकरी में लाभ मिलेगा, आय में वृद्धि के योग दिखते हैं। वाहन का प्रयोग बहुत सावधानी से आज करिए, दुर्घटना की स्थिति भी बनती है। अपने गुरु की पूजा आराधना करें, ओम गुरुवे नमः मंत्र का 108 बार जाप भी करें तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जानेंगे घर में तुलसी को रखने के नियम क्या होते हैं और तुलसी पूजा क्यों की जाती है। आज देवउठनी एकादशी है, आज के दिन तुलसी विवाह संपन्न किया जाता है। तुलसी विवाह के समय कन्यादान करने से कई यज्ञों का के समान पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी पूजा से घर में संपन्नता आती है तथा संतान योग्य बनती है। तुलसी विवाह में तुलसी के पौधे और विष्णु जी की मूर्ति या फिर शालिग्राम के पाषाण का पूर्ण वैदिक रूप से विवाह कराया जाता है। पुराणों में तुलसी जी को विष्णु प्रिया या हरिप्रिया कहा गया है। विष्णु जी की पूजा में तुलसी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम सभी के घर में तुलसी का पौधा अवश्य होता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी को घर में रखने के बहुत ही आवश्यक, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है जो बहुत कम लोगों को जानकारी है। आइए जानते हैं क्या है वो खास नियम। वैसे किसी भी दिन तुलसी को तोड़ सकते हैं, लेकिन एकादशी, रविवार और सूर्य या चंद्रमा के जब ग्रहण की स्थिति हो तो ऐसे में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। वहीं सूर्यास्त के बाद भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी के पत्ते तोड़ने से पहले
तुलसी का स्पर्श करने से पहले स्नान करना और शुद्ध स्वच्छ वस्त्र धारण करना बहुत ही आवश्यक है। बिना स्नान किए तुलसी को स्पर्श करते हैं तो दोष लगता है। तुलसी के पौधे में नियमित रूप से सुबह और शाम को जल देना चाहिए और संध्या के समय में उसके समीप एक दीपक लगाना चाहिए, इससे लक्ष्मी का आगमन होता है। कार्तिक के महीने में तुलसी के पौधे में सुबह शाम उनकी विशेष रूप से पूजा की जानी चाहिए। तो तुलसी के लिए ये खास नियम है जो बहुत सारे लोग नहीं जानते। कोई किसी भी अवस्था में जाकर के तुलसी को छू देता है, आप टॉयलेट होकर के आए, आपने स्पर्श कर दिया, तुलसी ऐसे में दोष मानती है, सूख जाती है। फिर आप कहते हैं कि हमारे घर में तुलसी का पौधा टिकता नहीं है क्योंकि आपकी आदतें ठीक नहीं है, आपने कुछ खाया पिया, हाथ धोया नहीं, आपने तुलसी को स्पर्श कर दिया या जल डाल दिया, देखा कि गमला सूखा है, आपने पानी डाल दिया, तो आपकी कुछ आदतों को आपको सुधारना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं देवउठनी एकादशी पर तुलसी और शालिग्राम की जो पूजा होती है उसका विशेष महत्व क्यों होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार दीपावली के बाद आने वाली जो एकादशी होती है उस पर देवता उठते हैं, वो अपनी योग निद्रा से उठते हैं, इसे देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी में भगवान विष्णु नींद से जागते हैं और सभी शुभ कार्य जो अब तक रुके हुए थे वह शुरू हो जाते हैं। इस एकादशी पर तुलसी विवाह किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये अच्छा योग होता है जिसमें विवाह भी की अड़चने वगैरह भी दूर होती हैं। अगर आप अपने घर में कोई विवाह योग्य कन्या है, अगर आप उसके हाथ से तुलसी विवाह कराते हैं, उसको भी पूजा में शामिल करते हैं, तो उसके विवाह के लिए भी अच्छा योग बनता है और उसकी कुंडली में जो विवाह में बाधा आ रही होती है या परिवार में किसी के विवाह में बाधा आ रही होती है तो वो योग भी दूर होता है और बाधा जो है वो दूर होती है। तुलसी की विवाह शालिग्राम से क्यों की जाती है इस बारे में जानते हैं। तुलसी का पौधा वैसे भी आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है और पूजा में तुलसी का इस्तेमाल काफी शुभ होता है। इस दिन यह संदेश दिया जाता है कि इस औषधीय पौधे यानी तुलसी की तरह सभी के जीवन में हरियाली आए और ताजगी लौटे। इस एकादशी पर तुलसी विवाह का सबसे ज्यादा महत्व है। दरअसल इस एकादशी पर कहा जाता है कि देव अपने दरवाजे खोल देते हैं। देव उठनी की छोटी दिवाली के रूप में भी बहुत सारे लोग मनाते हैं। उस दिन जब तुलसी विवाह करते हैं तो उस दिन भी आतिशबाजी और दीपक वगैरह अपने घरों में बहुत सारे लोग लगाते हैं। इस एकादशी से कई तरीके की धार्मिक परंपराएं जुड़ी हुई हैं। एक ऐसी ही परंपरा है तुलसी और शालिग्राम के विवाह की। शालिग्राम को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। तुलसी विवाह में तुलसी के पौधे और विष्णु जी की मूर्ति या शालिग्राम का विवाह कराने का नियम वैदिक काल से ही चला आ रहा है। जो व्यक्ति तुलसी के साथ शालिग्राम का विवाह करवाता है उनके दाम्पत्य जीवन में आपसी सद्भाव बना रहता है और मृत्यु के बाद उत्तम लोकों में स्थान प्राप्त होता है। इस दिन शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह करा करके पुण्य आत्मा लोग कन्यादान का फल प्राप्त करते हैं। जो इनका विवाह कराते हैं वे व्रत रखते हैं। शाम को तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और फिर शालिग्राम जी के साथ तुलसी के पौधे को परिणय बंधन में बांध दिया जाता है। शालिग्राम मूर्ति यानी विष्णु जी काले पत्थर की मूर्ति के रूप में पूजे जाते हैं। अगर आपको काला पत्थर ना मिले तो आप विष्णु जी की फोटो मूर्ति भी रख करके विवाह संपन्न करा सकते हैं। संध्या के समय में सारा परिवार इस तरीके से तैयार हो जाए जैसे आप किसी विवाह समारोह में जाने के लिए तैयार होते हैं। तुलसी का पौधा एक चौकी पर, आंगन में, छत पर या पूजा घर में बिल्कुल बीचों बीच रखें। एक विवाह में जिन चीजों का इस्तेमाल होता है वो सारी चीजें मेहंदी, मौली, रोली, धागा, फूल, चंदन, चावल, मिठाई, शगुन की हर चीज और पूजन सामग्री के रूप में आप सारी चीजों को एकत्रित करके तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये आवश्यक शास्त्रीय जानकारियां जो आपको मेरे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं ये निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस को देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर किया करें और अगर आप नए दर्शक हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, तुलसी विवाह आपके जीवन में ढेरों खुशियां लेकर के आए, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभव पर। नमस्कार। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। आपसे आग्रह और निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल पर हर दिन मेरे नए उपाय के वीडियोस डाले जाते हैं, उनके टाइमली अपडेट के लिए घंटी के निशान को भी दबाएं जिससे कोई भी उपाय या शास्त्रीय जानकारी आपसे छूट ना जाए। धन्यवाद मित्रों। यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग के करना। आप हमें फोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131।
आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए shama.vaibha@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों आजकल फोन कॉल्स बहुत ज्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं, ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।